जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज मोहन निर्भिकर, आप देख रहे हैं मेरा वेब न्यूज चैनल देहाती इन्फॉर्मर। बहुत बड़ी खबर के बारे में मैं बात करने वाला हूं आपसे, बिग ब्रेकिंग हम कह सकते हैं इस खबर को, क्योंकि महान दल के जो प्रमुख है केशव देव मौर्य आज बहुजन समाजवादी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ जी के साथ उनकी सफल मीटिंग हुई है। ये सूत्रों से खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस मीटिंग से ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद बीएसपी और महान दल का गठबंधन हो जाए। बताया जा रहा है कि अशोक सिद्धार्थ मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद के ससुर हैं। महान दल के मुखिया केशव देव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद माननीय श्री अशोक सिद्धार्थ जी ने मेरे ट्विटर पेज को फॉलो किया। माननीय श्री अशोक सिद्धार्थ जी को बहुत बहुत साधुवाद एवं आभार। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि महान दल और बीएसपी का गठबंधन हो जाए, क्योंकि महान दल इसके पहले भी बीएसपी का प्रचार कर रहा था। आपको बता दें कि महान दल के नेताओं को मालूम है कि वह अकेले दम पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, लेकिन गठबंधन करके सियासी उलटफेर करने की ताकत रखते हैं। ऐसे में उनकी नजर अब मायावती पर टिकी है। उत्तर प्रदेश में एक साल पहले सपा को जिताने और अखिलेश को सीएम बनाने का दम भरने वाले महान दल ने कुछ दिन पहले सपा को जिताने का नारा दिया था। महान दल के द्वारा सूबे के कुछ जिलों में वॉल पेंटिंग करके लिखा गया था कि महान दल ने ठाना है 2024 में बसपा को जिताना है। महान दल पार्टी भले ही बसपा को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर रही थी, क्योंकि महान दल के नेता मायावती का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे कि महान दल बसपा के साथ बगैर किसी शर्त के साथ उनका साथ देगा, ताकि बसपा के साथ मिलकर चुनावी मैदान में विपक्षी को मात दिया जा सके। आपको बता दें कि महान दल के द्वारा उत्तर प्रदेश के बदायूं, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, एटा, कासगंज, बरेली के क्षेत्रों में दीवारों पर बसपा को जिताने के नारे लिखे गए थे। कुछ दिन पहले महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में बताया था कि 2022 में सपा को जिताने के लिए हमने ऐसे ही अभियान को शुरू किया था। उस समय भी अखिलेश यादव के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी, और अब जब बसपा के लिए 2024 में जिताने का नारा बुलंद कर रहे थे तो मायावती के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। केशव देव मौर्य ने कहा कि मेरा मकसद बीजेपी को हराने का है, सपा हमें कोई सियासी तवज्जो नहीं दे रही है और बीजेपी के साथ हमारे वैचारिक मतभेद हैं। ऐसे में हमारे पास बसपा के सिवा कोई दूसरा राजनीतिक विकल्प यूपी में नहीं दिख रहा है। महान दल अकेले दम पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, लेकिन गठबंधन करके सियासी उलटफेर करने की ताकत रखता है। उन्होंने कहा कि हमारा जो कोर वोट बैंक शाक्य सैनिक, कुशवाहा और मौर्य समाज है, वो वैचारिक रूप से बसपा के साथ अपना जुड़ाव रखता है, क्योंकि बसपा का दलित और हमारा समाज भगवान बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर को मानता है। हमारा समाज 2007 तक बसपा के साथ रहा है। ऐसे में बसपा का समर्थन करने पर हमारे समाज को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। बसपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए विधानसभा स्तर पर महान दल बैठक करेगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन 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 सवाल ये भी है कि क्या मायावती महान दल से हाथ मिलाएंगी या नहीं। तो आपको बता दें कि केशव देव मौर्य अपना सियासी आधार मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी, भगत, मुराव, कोयरी समाज के साथ साथ दलित समाज में भी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, जो सूबे में दोनों को कुल मिलाकर के लगभग 14-15% के बीच है। एक समय यह बसपा का वोट बैंक हुआ करता था, क्योंकि स्वामी प्रसाद से लेकर बाबू सिंह कुशवाहा तक मायावती के खास हुआ करते थे। दोनों ही नेताओं के बाहर होने और बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य का सियासी कद बढ़ जाने के बाद यह वोट बैंक बीजेपी के साथ जुड़ गया, जिसके चलते महान दल के लिए सियासी चुनौतियां खड़ी होती जा रही। लेकिन नहीं, अगर अभी देखा जाए तो ऐसा
बिल्कुल भी नहीं है। बसपा को जिताने के लिए महादल दीवारों पर नारा लिख रहा था ताकि बसपा प्रमुख मायावती का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया जा सके। इस तरह महादल की कोशिश 2024 में बसपा के साथ गठबंधन करने का है, लेकिन बसपा प्रमुख पहले ही कह चुकी हैं कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि मायावती क्या महादल के केशवदेव मौर्य को साथ लेती हैं, अगर लेती हैं तो उन्हें कितनी सीट देती हैं, क्योंकि ये सूत्रों से खबर निकल के आ रही है दोस्तों। अब आगे आने वाला समय ही बताएगा कि क्या महान दल का बीएसपी के साथ गठबंधन तय हो गया है या फिर तय होगा। ये अब जो भी खबरें आएंगी वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। इस पे आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मैं अभी इस वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं कह रहा था कभी, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि राजनीतिक हलचल होनी चाहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।